हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको मैं इस समय बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जो अपडेट है आप लोगों को क्लास 10th और 12th के, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स को अब तक एग्ज़ाम नहीं हुए, जैसे कि इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, रिपीटर्स, पत्राचार स्टूडेंट्स। तो ये सारी अपडेट आप लोगों को मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं, तो आप फटाफट से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब हम बात क्या करने वाले हैं कि सबसे इसमें जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम लोग अब एग्जाम कब होंगे, दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर याचिका दायर की थी वहाँ से क्या सुनवाई हुई, वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस जो वहाँ पर दिए गए हैं उन्होंने क्या कहा, जज ने क्या कहा, और बाद में बता रहा हूँ कि कोर्ट ने बोर्ड को क्या निर्देश दिए हैं, और जैसे आपको पता कि एग्ज़ाम फीस रिफंड की जो मांग की गई थी उस पर क्या सुनवाई हुई। तो ये बहुत सारे अपडेट मैं आप सबको देने वाला हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, और लास्ट डेट क्या होगा, क्या शेड्यूल होगा। तो आइए सबसे पहले फटाफट से पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो नई अपडेट होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 10वीं और 12वीं के लिए 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम, 30 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट की तारीख। अब बात करने वाले कि सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया कि वो 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में 10वीं और 12वीं की इम्प्रूवमेंट एग्जाम आयोजित करेगा, जबकि 30 सितंबर को परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तारीख घोषित होगी। वहीं पर सीएसई 16 अगस्त से परीक्षा आयोजित करेगा, जिसका परिणाम 20 सितंबर तक जारी होंगे। इसके साथ ही वहां पर जो जस्टिस जज थे, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस राजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीएसई और सीआईएससी द्वारा पेश किए गए अपने अपने हल्फनामों में प्रस्तुत कार्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। बेंच ने हल्फनामों पर जताई थी कड़ी आपत्ति। इससे पहले सीबीएसई की तरफ से दायर हल्फनामों में कोई भी स्पष्ट तारीखों का उल्लेख न होने पर जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस राजीव खन्ना की बेंच ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद बेंच ने सीबीएसई के वकील को दोपहर 2 बजे तक तारीख के साथ एग्जाम शेड्यूल पेश करने को कहा था, जिस पर बोर्ड ने 2 बजे तारीख के साथ शेड्यूल पेश किया और जिसे बेंच ने मंजूरी दे दी है। अब बोर्ड कोर्ट ने क्या क्या बोर्ड को निर्देश दिए वो समझ लेते हैं। इस दौरान कोर्ट ने बोर्ड से कि वह छात्रों को बताए कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी रिजल्ट में स्टूडेंट के कितने मार्क्स कम हुए हैं। दरअसल आंतरिक मूल्यांकन में स्टूडेंट के पिछले 3 सालों के मार्क्स के औसत के आधार पर नंबर तय किए गए हैं। इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील आरपी गुप्ता ने कहा था कि इस क्राइटेरिया के कारण कई स्टूडेंट्स का मार्क्स कम आए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स यह जानना चाहते हैं कि स्कूल के पूर्व छात्रों की वजह से उनके कितने अंक कटे हैं। इन पर कोर्ट ने गुप्ता के इस दलीलों को स्वीकार करते हुए सीबीएसई को यह जानकारी स्कूल को मुहैया कराने को कहा है। अब बात करें एग्जाम फीस की। एग्जाम फीस रिफंड की मांग खारिज कर दी गई है। इसके अलावा वकील आरपी गुप्ता ने यह भी कहा था कि स्टूडेंट के एग्जाम फीस के नाम पर 1500 रुपये लिए गए थे, लेकिन तमाम खर्चों के बाद भी सीबीएसई के पास करीब 200 करोड़ रुपए बचे हैं। ऐसे में फीस रिफंड ना करने की स्थिति में इस रकम का इस्तेमाल गरीब स्टूडेंट की शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि बेंच ने उनकी इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अब हम बात करने वाले कि इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, रिपीटर और जो पत्राचार वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो जो आप लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म की जो डेट है वो है 10 अगस्त 10 अगस्त को आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और परीक्षा की डेट शीट भी वहाँ पर जारी हो जाएगी। 25 अगस्त से आप लोगों का परीक्षा शुरू होगी, मतलब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लास्ट डेट होगी वो 15 सितंबर होगी, उसमें आप लोगों के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि जस्ट 15 दिन के अंदर, ये सीबीएसई का कहना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 30 सितंबर को वो रिजल्ट घोषित कर देगी, डिक्लेयर कर देगी। अब देखते हैं, सीबीएसई ने ये सारी बातें कर तो दी है, बट सीबीएसई अपने बातों पे कितना खड़ा उतरती है, क्या आप लोगों को टाइम पे सब कुछ करवा पाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें टाइम पे हो जाए ताकि आप लोगों का जो आगे का जो प्रोसेस है, जो आप लोग एडमिशन लेने वाले कॉलेज हों, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है टाइम से आप लोगों का एडमिशन हो जाए ताकि पूरा का पूरा साल आप लोगों के बच जाए। तो आई होप कि आपको सारी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत बेसब्री से बहुत बच्चों का इंतजार था। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को के लिए इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें। वैसे तो प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, बट कुछ यहाँ पर ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि इतने कम टाइम में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, तो बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।